तो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आप मेरे पीछे खेत देख सकते हो। एक्चुअली मैं आया हूँ बिहार शरीफ के एक गाँव में जहाँ पर मेरे बचपन के दोस्त का शादी है, सो कि मैं उनके बारात जाऊँगा। तो अभी फिलहाल मैं नहाने आया था यार, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा ट्यूबवेल में नहाने का मज़ा आया, आप देख सकते हो। और जो शादी है वो रवि भाई का है, आप और भी ब्लॉग में देखे होंगे, सब नहा वहा कर रेडी हो रहा है। तो मैं आपको गांव का टूर कराता हूँ, आइए मेरे साथ। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है गांव में, गांव का मज़ा ही कुछ अलग होता है। खेतों के बीच आप देख सकते हो बहुत सारी खेती लगी हुई है। अभी मक्के की लगी हुई है खेती, आप देख सकते हो इधर। भाई रास्ता काफ़ी ऊपर खाबर है यार। चलो अभी मैं रवि का घर जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ का सीन दिखाता हूँ, आइए। गाइस अभी गाँव में आइसक्रीम खा रहे हैं, ये देखो जलजीरा फ्लेवर। क्या बोल रहे चाचा, उनको वो कैसे मलाई वाला दीजिए। चाचा कहना है कि जो बिक्री कर रहा है वो नहीं खा सकता है। बिक्री वाला का फोटो ले लिया, देख सकते हो। जो दूल्हा है रवि वो जा रहा है घर की ओर, मैं अभी रवि का घर दिखाता हूँ आपको। रवि का घर आप देख सकते हो, शुभ विवाह लिखा हुआ है और उनके घर पे जितने भी फैमिली मेंबर है पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, यहाँ पर रवि का हल्दी का कार्यक्रम हो चुका है, उसे हल्दी लग चुकी है। ये रवि का घर है, उसके गांव का घर आप देख सकते हो। और ये मंडप है जहाँ पर सारा रीति रिवाज शादी का होता है। ये रहा रवि का गाँव। गाइस अभी हम लोग नहा लिए हैं, अब जा रहे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि अब बारात निकलने का टाइम हो गया है। अप्रॉक्स 6:30 हो चुकी है, तो 7 बजे बारात निकलेगी, आधे घंटे में हम लोग रेडी हो जाएंगे, फिर चलते हैं। मैं दिखाता हूं कि गांव का बारात और गांव के लोग कितने प्यारे होते हैं। एक्चुअली मैं अभी कल रात को यहाँ पहुँचा हूँ, बिहार शरीफ में एक गाँव है, उसका नाम मेरे को नहीं पता। रॉकी इस गाँव का क्या नाम है, बरीट गाँव है। सो कि यहाँ पर आए, बहुत मज़ा आया, और मतलब बहुत दिनों से होता है ना, बिल्कुल नेचुरल चीज मिस कर रहे थे जो कि पूरा हो गया आके। आप देखो कितना हरियाली है, तो चल दो चलते हम लोग। 2000 years later यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हो सारे लेडीज लगी हुई हैं दूल्हे राजा को रेडी करने के लिए। रवि की मम्मी है, अभी ये क्या नियम है ये मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है जो कि मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मोड़ी इन्हें बनाया जा रहा है, देख सकते हो कि रवि डोली पे बैठ चुका है। एक्चुअली इनका कोई नियम होता है, लड़का भी गाड़ी तक डोली पे बैठ के जाता है। और यहाँ पर रवि की भाभी, उनकी बहन, बहुत सारे फैमिली मेम्बर डांस कर रहे हैं। तो आप पहली बार देख रहे होंगे कि लड़कों का भी डोली उठता है, तो लड़का भी डोली पे बैठ चुका है, डोली जा रही है गाड़ी की तरफ। पर आप देख सकते हो कि रवि के अंकल के लड़के लोग सारे डांस कर रहे हैं, दूल्हा राजा भी यहाँ डांस कर रहा है। वो भी एक गाना आया हुआ है ना, पीवा तू ले आवा कोको कोला करके कुछ, उस पर लोग डांस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती चल रही है अभी। पर दूल्हे की बहन लोग सब डांस कर रही है, दूल्हे को देखो कितना एक्साइटेड है शादी के लिए, शादी के लड्डू खाने के लिए अभी छटपटाया हुआ है। यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखिए सारे लोग कैसे डांस कर रहे हैं। ये रवि के अंकल भी यहाँ पर देख सकते हो कि डांस कर रहे हैं, सारे लोग झूम रहे हैं भाई की शादी के लिए। अभी बारात यहाँ से निकलने वाली है, रात के 10 बज रहे हैं। और ये रहा दूल्हे की गाड़ी जिससे दूल्हा जाएगा, और यहाँ पर अंदर रवि जी बैठ चुके हैं लड़की वालों के घर जाने के लिए। आती पहुंच चुकी है लड़की वालों के घर, अब यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है।
लड़की वालों का घर रवि के घर से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। हमें एक घंटे लगा वहाँ पहुँचने को। आप यहाँ देख सकते हो कि समुद्री मिलन हो रहा है, जिसमें लड़की के फादर एंड लड़के के फादर दोनों गले मिल के एक दूसरे का वेलकम कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है बराती डांस। आप देख सकते हो डांस किसी को आ नहीं रहा है, बस लोग झूम रहे हैं। अब गाना कौन सा बज रहा है मैं बता नहीं सकता, बस आप ये समझ जाइए कि लंदन से लाएंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। प्योर टिपिकल बराती डांस, यहाँ पर लोग किसी को नाचना नहीं आता, बस लोग नाच रहे हैं। एक दो हीरो हैं जो कि नाचते अच्छे, पर चल रहा है यार मस्ती। अभी आप आगे जाओगे तो एक गीत सुनोगे, गाड़ी मांगे घोड़ा मांगे मांगे हीरो होंडा मरद करे एक्स वाई जेड। जितने भी सीनियर्स हैं उनका डांस खत्म हो गया, यहाँ पर जितने भी छोटे भाई लोग हैं वो लोग डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्योंकि काफ़ी छोटा क्लिप हमने डाला है, क्योंकि उतना लंबा अगर डालते तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। अब इसके बाद लड़के का वेलकम होगा जयमाला के लिए, तो अब चलते हैं जयमाला की ओर। तो यहाँ पर लड़के को ले जाया जा रहा है लड़के के भाई के थ्रू, लड़की के भाई लड़के को उठा के जयमाला स्टेज तक ले जाएंगे। यहाँ रवि मना कर रहा है कि नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, पर जाने का तो मन है कंधे पे। अब यहाँ पर जीजा जी को उठा लिया गया है। आप चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं दूल्हे राजा की। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर जयमाला होगा। मुझे तो डर था कि रवि जी गिर ना जाए, वरना लोग कहेंगे बड़े गिरे हुए लोग हैं। तो भाभी जी भी आ गई है, जयमाला स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो स्टेज पे जितनी भी लड़कियां हैं कितनी शर्मा रही, जैसे कि उन्हीं का शादी है। अब यहाँ पर जयमाला स्टार्ट हो गया है। भाभी ने उनको माला पहनाने की कोशिश किया, बट मैंने पीछे से रवि को उठा लिया है, जो कि माला अच्छे से जा नहीं सका, टोपी में फंस के रह गया। फिर लास्ट में रवि बोला कि भाई जयमाला होने दो, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। मैं रवि को उठा के रखा हूँ, फिर लास्ट में मैंने सबके कहने पे उसे उतार दिया है एंड भाभी लपक के जयमाला पहना दी। यहां पर अपने रवि भाई फुल एटीट्यूड में दिख रहे हैं आपको। फोटोग्राफ्स होगी फैमिली के साथ, उसके बाद शादी की तैयारी होगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, रात के 1:30 बज चुके हैं। यहाँ पर रवि को रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, पर रवि बस टच करके वापस कर देगा। भाभी जी भी कंप्लीट एटीट्यूड में जुग जुग जियो।
रवि को अंगूठी पहनाया जा रहा है, अंगूठी अंदर नहीं जाएगी, तो मैंने रवि को एक कमेंट किया जो कि रवि अब देखिए देख सकते हो कि रवि कितना जोर से हंसेगा उस चीज़ को लेके। आप ये देखो कितना जोर से हंस रहा है क्योंकि वो जा नहीं रही थी, तो उसको मैंने रास्ता बताया कैसे जाएगा अंदर वो। यहाँ पर दूल्हे राजा जा रहे हैं मंडप की ओर जहाँ पर शादी होगी और इनको दूध पिला के वेलकम किया जा रहा है। पता नहीं ये दूध क्यों पिलाया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, मैं नहीं जानता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप जानते हो तो। तो यहाँ पर सारे भाई लोग और उनकी तरफ से जो लेडीज़ वगैरह थी उनके बीच में पैसे को लेकर कंट्रावर्सी हो रही थी कि मुझे इतना डिमांड है, आप इतना दो इतना दो। तो लास्ट में सॉल्यूशन हुआ पर उसके लिए काफ़ी वक्त लगा। तो आप देख सकते हो कि रवि के और दोस्त लोग भी वहाँ पर उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। शुरू हुई थी 5000 से पर बात आके रुकी 2100 पे, तो उन्होंने पेमेंट दिया तो फिर रवि ने दूध पी के मंडप की ओर गया। और आप देख सकोगे इसके आगे कि उन्होंने 21 दिया तो मैंने भी लड़कों की तरफ से 1000 दिया है और कहा है कि लेके आप लोग खुश रह लो। आप देख सकते हो, इसे कहते हैं रिप्लाई।